कैसा? जितेन बड़वानी। आप भी खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ जी जी। क्या लगता है आपको, क्या हालचाल है रायपुर में? रायपुर का हाल बहुत अच्छा है, गर्मी पड़ रही है मस्त, लेकिन हाल भी अच्छा है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, वोटिंग को लेकर है। हाँ, चुनाव का पर्व है और अब जो कम मतदान हुआ है उसके एक मैसेज आ रहे हैं कि घर से निकल के मतदान करिए, तो उसका भी एक अलग इफेक्ट पड़ते जा रहा है धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से। पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या है? पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी गर्म है मैम, और यहाँ रायपुर सीट तो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, माननीय रमेश बैस जी के बाद लगातार छठवीं या सातवीं बार चुनाव हो रहे हैं, तो लगातार बीजेपी ही जीती है, तो एक प्रकार से रायपुर लोकसभा बीजेपी का छाप बन चुका है। तो गढ़ को भेद पाना आसान नहीं है क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है, मैं बताना। दूर दूर तक पास में खड़ी है? नहीं, दूर दूर तक कहने का मतलब है कि जैसे अमित जी बोले कांग्रेस के प्रवक्ता ने, इस प्योर झूठ बोल रहे हैं। पहली बात की इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता इनको कर दिया बाय बाय, कांग्रेस को बाय बाय, और छत्तीसगढ़ में साय की सरकार चल रही है साय साय। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी के साथ मैं भी गारंटी दे रहा हूँ कि कांग्रेस का जो रायपुर लोकसभा है जमानत जब्त होगा। बाबा, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं? आगे आइए जरा, नहीं बोलेंगे क्यों? आप बताइए। अच्छा, आप भी नहीं बोलेंगे, कुर्सी में बैठने आए थे क्या? जी देखिए, युवाओं की बात मैं करूंगा। 2020 2014 का जब इलेक्शन हुआ, तो जो युवा उस समय मोदी जी को वोट दिया, वो इस मुद्दे पर दिया था कि हमको 20 लाख रोजगार मिलेंगे, ये वादा मोदी जी ने किया था हर साल, तो दे दिया। अब वही युवा जब 20 साल का था, अगले बार जब सरकार आई 2019 में, उसकी उम्र कितनी हो गई? 25 से पार हो गई। तब वादा किया कि बालाकोट ये वो राष्ट्रीय मुद्दे पर उन्होंने सीट ले लिया वोट। अब बीच में लगातार एग्जाम्स के पेपर लीक होते गए, जो लड़का आज 20 साल का था 10 साल बाद 30 साल का हो गया, पेपर एग्जाम के लीक हो गए, आज उस लड़के को फिर बैठना पड़ रहा है। तो सीधा सीधा युवाओं को छुरा भोंकने का काम मोदी जी ने किया पीठ में। वो दे रहे रोजगार की गारंटी, कहाँ की गारंटी? गारंटी तो अपनी कांग्रेस ने दी है कि 30 लाख हम यहाँ पर जैसी सरकार में आएंगे पदों को भरेंगे। अप्रेंटिसशिप की बात की है, 1 लाख अप्रेंटिसशिप हम लोगों ने देने का वादा किया है। आप वादा करते थे लाल आंख दिखाऊंगा चाइना को, क्या हुआ चाइना पर? एक मुद्दे पर बात नहीं हुई मैनिफेस्टो पर। मणिपुर की स्थिति पर आपने बोला था नॉर्थ ईस्ट एरिया को मैं पैकेजेस दूंगा स्पेशल, कहाँ है वो पैकेजेस? पेज नंबर 18 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटीज और 100 यहाँ पर स्मार्ट गांव बनाएंगे, कहाँ है वो स्मार्ट गांव? मुझे तो नहीं दिखते कहीं भी। आप हथरस, महिलाओं पे अत्याचार, एक्ट्रोसिटीज को देख लीजिए, जब जब बीजेपी आरएसएस सत्ता में आई है एससी एसटी और आदिवासियों पर लगातार यहाँ पर हमले हुए हैं, तब तो चुप होते हैं आप। आप जुमले देने की बात करते हैं, आपने लगातार झूठ बोलने का काम किया, और जब कांग्रेस ने अच्छा मैनिफेस्टो लाया तो उसको गिराने के लिए आप मंगलसूत्र, मटन, मछली ये सब बातें करते हैं, इस्लामिक लीग, मुसलमानों को बात करते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले युवाओं के साथ मुसलमानों पर बात करते, कार्रवाई होगी उस पर, होगी होगी कार्रवाई करिए ना, सरकार आपकी है, आपकी सरकार है, कार्रवाई कर लीजिए। मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा बता दिया, आपने कहा था स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर हम काला धन वापस लाएंगे, आया काला धन? इतने मुद्दे मैंने आपको गिना दिए, बेरोजगारी, महंगाई, आप फ्री भी इसमें। देखिए, घोटालों की सरकार कांग्रेस की सरकार, शराब का घोटाला, अगर किसी प्रदेश का मंत्रिमंडल के सदस्य और मुख्यमंत्री अगर सट्टे के आरोप लग जाए, इससे शर्मनाक घटना हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में मैंने नहीं देखी। मैं 48 साल से राजनीतिक जीवन में हूं, लेकिन किसी सरकार के मुखिया के ऊपर महादेव ऐप जैसा सट्टा ऐप चलाने का आरोप लग जाए या उन संचालित करने का आरोप लग जाए, शराब घोटाला यहां का सबसे बड़ा शर्मनाक घोटाला हुआ, हर आदमी का सर झुक जाता है जब शराब घोटाला सामने आता है, 3000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला तो ईडी ने तय किया, लेकिन मेरी नजर में तो 10000 करोड़ से बड़ा घोटाला है शराब का। यह सरकार घोटालों में लिप्त रही, लगातार घोटाले घोटाले करते रहे, और जिस प्रकार से जनता ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को खदेड़ा है, लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीतने वाले, चाहे वो बस्तर की सीट हो, चाहे कांकेर की सीट हो, चाहे सरगुजा की सीट हो, चाहे ये कोरबा की सीट क्यों ना हो,
कांग्रेस एक भी सीट छत्तीसगढ़ से नहीं जीत रही और हर सीट पर कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत रही है। आगे बढ़ूंगी लेकिन पहले आपका रिएक्शन इस पर। देखिए भाजपा के अभी सम्मानित नेता ने कहा कि जमानत की बात उन्होंने की, तो मुझे एक ही चीज कहना है कि उन्हें मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है। रही बात अभी श्रीचंद भैया ने भ्रष्टाचार की बात की, तो मैं आपको बता दूं महादेव ऐप में 350 से ज्यादा FIR हमने करी, 850 से ज्यादा हम लोगों ने लैपटॉप जब्त किए, 3500 लोगों के से ज्यादा 3363 अकाउंट को फ्रीज हमने किया और कार्रवाई हमने की। हमने लेटर लिखा कि इस ऐप को बंद कर देना चाहिए। केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल में आता है कि उसे बंद करना कि नहीं करना है। हमने लेटर लिखा, केंद्र सरकार क्यों नहीं बंद करी, आज भी वो चल रहा है। केंद्र सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है, किसके पास उसका पैसा जा रहा है। तो देखिए, रही बात भ्रष्टाचार की, बात अच्छा मुद्दा उठाया श्रीचंद भैया ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की ये बात करते मैडम, लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की सभा में कहा था, आपको याद होगा, और देवेंद्र फर्नांडिस जी कहते थे चक्की पीसिंग, और अजीत पवार जी के साथ 3 दिन बाद उनके साथ सरकार बना लिए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। जिस बंगाल चुनाव में ये शुभेंदु अधिकारी को कहा करते थे नारदा सादा स्कैम में सबसे बड़ा आरोपी है, भ्रष्टाचारी है, आज उनका नेता प्रतिपक्ष है। तीसरा नाम मैं आपको बता दूं, हेमंत विश्व शर्मा, जिसके ऊपर नारदा सादा स्कैम का ये खुद ही प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते थे, हम नहीं लगा रहे, आज वो वहां का सीएम है। मतलब अब भाजपा के लोग भ्रष्टाचारियों को रेड कार्पेट बिछा के, एक मिनट मैडम, लेट मी कंप्लीट, जस्ट गिव मी 5 सेकंड, तो ये भ्रष्टाचारियों को रेड कार्पेट बिछा के वेलकम करते हैं और उसके बाद भ्रष्टाचार पे आरोप लगाते हैं। मतलब मोदी जी की गारंटी अब हो गई है भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, रायपुर से आप? जी रायपुर से। कैसा माहौल है यहाँ पर? पूरा भाजपा में माहौल है मैम। भाजपा में माहौल है जी। कांग्रेस तो कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को शरण देने का काम करती है बीजेपी। 70 साल में पूरा भाजपा ने इनको 10 साल में जो किया है ना, ये 70 साल में नहीं किए, ये झूठ बोलते हैं। क्या किया है? क्या नहीं किया, देखो ना, आज पूरा गर्व, पूरा हिंदुस्तान का, पूरे विश्व में ढंका बाजा हुआ है। विश्व में कहाँ कहाँ गए आप? 3 देश में गया हूँ। अच्छा। और तीनों देशों में, अब दुबई में, आज देखो दुबई में राम जी का मंदिर जो 70 साल में कोई नहीं बनवा पाया, आज राम जी का मंदिर बना हुआ है। रायपुर में क्या काम किया है? रायपुर में ये जो आप देख रहे हैं ना, सब ये बीजेपी ने करवाया है। हाँ। और ये श्रीचंद भैया इतना काम किए हैं यहाँ पर कि मतलब हिंदुत्व का जो काम हुआ है ना यहाँ पर, और पूरे सबके लिए, सबका साथ सबका विकास वाला जो काम किया है ना, वो बीजेपी ने किया है। कांग्रेस सिर्फ क्या करती है, एक को लेकर चलती है, 30% को लेकर, 70% को भूल जाती है कि वो भी इस देश के हैं। तो जो सबको लेकर नहीं चलती है ना, उनको अपन बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सब पूरा हिंदुत्व के लिए अपन लड़ रहे हैं और हिंदुत्व के लिए ही लड़ेंगे। हमारा जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। हाँ, तो जो हमको मिल रहा है वो उनको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सड़क बन गई है तो हमको, हम ही इसका यूज कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मगर ये क्या है, ये इनकी गंदी पॉलिटिक्स है जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार सर। जी आकाश, बताएं क्या चल रहा है यहाँ पर रायपुर में, दरा जाइए जरा ताकि बाकी लोग भी आपको अच्छे सुन पाए। जी जी, रायपुर की जनता ने जो मन बनाया है इस तरह पूरे भी भाजपा सरकार, मैं नहीं सुन पाऊंगी ऐसे तो आपको। यहाँ रायपुर की जनता ने पूरी तरह से मतलब ब्रजमोहन अग्रवाल को जिताने का मन बना लिया है। अच्छा। और जिताएंगे भी। क्यों? यहाँ के लोग उनको, उनका प्रशंसक ज्यादा है और उनको पसंद भी करते हैं, उनके कामों से प्रभावित भी हुए हैं। किस तरह के काम? पिछले मुद्दे को अगर देखा जाए विधानसभा में भी उन्होंने काफी अच्छा पिछला काम किया था और आज भी वैसे करके वो। क्या अच्छे काम किए ब्रजमोहन अग्रवाल ने? ब्रजमोहन भैया यहाँ के लोकप्रिय नेता होने के अलावा यहाँ पे पूरा विकास किया है, बल्कि रायपुर का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने मंत्री रह के विकास किया जो भी। और जो भाई साहब लोग बोल रहे थे स्मार्ट सिटी, तो रायपुर जो स्मार्ट सिटी देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्मार्ट सिटी की देन है। कांग्रेस सिर्फ छलावा करती है, कहाँ से देगी वो हर 1 लाख रुपया हर महिला को साल भर में, कहाँ से देगी? उन्होंने कुछ बजट बनाया है, कुछ बताया, यहाँ से इनकम आएगी तो हम यहाँ पे हम देंगे। बीजेपी सरकार कहाँ से देगी? करते हैं, बीजेपी सरकार तो 1000 का दावा करती है, वो दे भी रही है यहाँ छत्तीसगढ़ में। अभी तक यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे, और लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से तो ये रिपोर्ट भी आई कि राम मंदिर क्योंकि निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है राम जी की, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जनता के जहन से ये मुद्दा पीछे छूट रहा है, क्या ऐसा है या आप छत्तीसगढ़ में इसकी छाप देख रहे हैं? नहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। एक तो राम का कनेक्शन यहाँ पर यही है कि यहाँ का भांचा है वो, तो डेफिनेटली उसको लेकर, और आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कि माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिमों की संख्या भी काफी कम है, तो
तो यहाँ पर धार्मिक आयोजन और इस प्रकार की चीजें काफी होते रहती है। भूपेश बघेल ने तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी थी यहाँ पर। हाँ, उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी थी पर लेकिन उनको इनकैश नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, तो उसका एक मेजर रीजन है कि वो इनकैश नहीं कर पाए और बीजेपी ने जो लाइन उस पर पकड़ी थी कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वहां पर जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए उसमें शामिल नहीं हुए, तो एक टाइप से वो काफी हद तक अपने जो एक प्रकार से सेंटिमेंट जो क्रिएट करना था उसमें काफी हद तक सफल रहे। ये नैरेटिव कैसे गढ़ लिया गया कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस एंटी हिंदू है या राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इनके झूठ को फ्लैश कर देता हूं। ये कहते हैं हम हिंदू विरोधी हैं, तो मैं हिंदू आदमी और कट्टर हिंदू आदमी हूँ। मेरे को गर्व है मेरे कांग्रेसी होने का और उतना ही गर्व मेरे हिंदू होने का, और ये दोनों गर्व के लिए किसी बीजेपी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक कट्टर सनातनी हिंदू खड़ा है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब जिस प्रकार ये लोग कहते हैं, अभी एक भाई कह रहे थे जिन्होंने राम को लाया हम उनको लाएंगे, आप अपना ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय को, एज एन एडवोकेट मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आप ज्ञान आप विद्वान व्यक्ति हैं लेकिन शायद आप उसको कहना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है और अगर आपकी प्रायोरिटी में राम भगवान होते ना, मेरे आराध्य, सुन लीजिए, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम होते तो आप बीजेपी वाले 7-स्टार कार्यालय पहले दिल्ली में नहीं बनाते। मेरे राम रह रहे थे टाट में और ये रह रहे थे ठाट में और राम की बात करते हैं और राम जी के जिस प्रकार से मैं आपको कह दूं, एक मिनट, ये गलत है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात कर रहे हैं मैडम, मैं जवाब देना चाहता हूँ और जिस प्रकार से समझे, सुनिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भगवान राम को काल्पनिक, पहली बात, राम सृष्टि का आधार है, हम कोई नहीं होते राम को लाने वाले, रुक जाइए, सुनिए। अब ये कहते हैं कि अभी भाई साहब ने कहा कि